क्या कर रहा है नट्टू? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो हम गुजर रहे हैं मीरा भेंदर रोड से और देखिए कितने जोर शोर से यहाँ का मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्शन जारी है। और आज के मेरे ब्लॉग का जो थीम है वो मेरे उंगलियों के छोर पे यानी नोक पर दिख रहा है, ये देखिए। हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्यास मोजो। अभी हमने नेहा को उसके सेट पे छोड़ा है, अब हम लौट रहे हैं और लौटते वक्त मैंने आपको दिखाया नीरा का स्टॉल। तो आज का ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर है, नीरा, जिसके पीछे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं, आपको सुनाऊंगी। तो मैं जब पुणे में थी तो जब एंटर किया था पुणे पे, तो वहाँ पर नीरा के बहुत सारे स्टॉल्स दिखे थे, लेकिन मुझे यही पता था कि नीरा ताल से बनता है, जो ताड़ होता है उसके रस से बनता है, यानी कि वो नशा देता है। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि इतने खुले आम किस तरह दुकानों में नीरा इस तरह बेचे जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये एक तरफ से तो देसी शराब ही हुआ। ये गया इस्कॉन। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उसके बाद जब मैं मुंबई आई तो अंधेरी की तरफ ऐसे स्टॉल्स नहीं है, लेकिन जो जो आप हाईवे की तरफ बढ़ते हैं फिर से ऐसे स्टॉल दिखे, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो जानना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी होती है और अच्छे लोग पीते हैं। और फिर जब मैंने आम लोगों से पूछताछ की, मैंने नेट सर्व किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में मैंने क्या मिस किया। नीरा आहे फ्रेश ठंडगार, यानी कि यहाँ पर ठंडा नीरा मिलता है। और देखिए हमारा टोटो कितने चाव से पी रहा है। ये जो स्टॉल्स होते हैं सरकारी होते हैं ना? हाँ। सब रहता है, लाइसेंस भी सब रहता है। तो अब सोचिए जरा, जिस चीज को, जिस ड्रिंक को सरकार प्रमोट कर रही है वो क्या चीज होगी भला। हर स्टॉल पे इस तरह पॉइंट्स में फायदे लिखे हैं नीरा जूस पीने के। ये मराठी में है, तो इससे पहले कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, क्यों ना पहले ये पता करते हैं कि नीरा जूस है क्या, वरना मेरी तरह आप भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि नीरा और ताड़ी दोनों एक ही हैं। नीरा उस ताजे रस को कहते हैं जो नारियल और खजूर के पेड़ से निकलता है, जब तक रस ताजा होता है वो नीरा कहलाता है। नीरा पीने को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कोई इसे नशीला बताता है तो इसे ताड़ी ही कहता है, जैसे मैंने कहा था। नीरा का सेवन दक्षिण भारत में ही नहीं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब नीरा हो या ताड़ी, दोनों ही ताड़ या खजूर के पेड़ से निकलता है, तो फिर फर्क क्या हुआ भला? बहुत ही सिंपल सा फर्क है, ताड़ और खजूर के पेड़ से निकलने वाले ताजे रस को नीरा कहते हैं। जब यही रस काफी देर तक बाहर रह जाता है तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, तो यही ताड़ी बन जाता है। नीरा पीने से ताजगी महसूस होती है, जबकि ताड़ी पीने से हल्का नशा होता है। नीरा पीने में मीठा होता है, जबकि ताड़ी खट्टा और कड़वा लगता है। लेकिन सादा वो कहते हैं ना, खट्टा हो जाता है तो फिर खराब हो जाएगा। नहीं, बारिश गिरेगा तभी होता है। बारिश के वक्त और कभी कभी एक झाड़ खराब होता है तो सब खट्टा हो जाता है, सारा खराब हो जाएगा। फिर वो कभी कभी होता है। तो ये मतलब सरकार सीधा आपको जूस देती है कि आप बनाते हो? हमारा फार्म हाउस है। फार्म हाउस है, कहाँ है गाँव आपका? वाड़ा। वाड़ा? वाड़ा, वाड़ा। हाँ, भिवंडी के आगे। भिवंडी के आगे, वहाँ से आप यहाँ आते हो? ये माल आता है, सुबह गाड़ी आता है। अच्छा, वहाँ से आता है फिर? गोड़बंदर में आता है, गोड़बंदर से हम लोग ये सारी स्टॉल्स पे उसको भी पहुँचाता है। 100 से अधिक बीमारियों का काल है नीरा। शोध की माने तो नीरा का सेवन 100 से अधिक बीमारियों को दूर करने में कारगर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि नीरा पीने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है डिहाइड्रेशन से बचाव, क्योंकि इसमें 84% पानी होता है, तो गर्मी में हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, साथ ही एनर्जी भी देता है।
नीरा का सेवन कमजोरी, सुस्ती, थकावट दूर करने में भी मददगार है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर हफ्ते में एक बार भी पिए ना, तो कब्ज और एसिडिटी जैसी बीमारियों से तो दूर ही रहेंगे। नीरा यूरिन में जलन की समस्याओं को भी दूर करता है। इसमें आयरन और जिंक होता है, एनीमिया को दूर करने में मददगार। अगर आप वजन बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार पिए और जादू देखिए। टीबी जैसे गंभीर बीमारी को ठीक करने में भी नीरा का बहुत बड़ा हाथ होता है। डॉक्टर्स खुद इसकी सलाह देते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के अलावा नीरा आई ड्राइनेस, जलन, खुजली, धुंधलापन, कंजक्टिवाइटिस को दूर रखने में भी मदद करता है। नीरा पीने से पीलिया के लक्षण नज़र कम आने लगते हैं और जल्दी रिकवरी होती है। बारिश के 4-5 महीनों को छोड़कर नीरा पूरे साल मिलता है यहाँ महाराष्ट्र में। वैसे सही भी है, गर्मी के मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक पियो, उससे तो लाख गुना बेहतर ये नीरा पीना है। उम्मीद है कि आपको भी अगर मौका मिले और आप खासकर महाराष्ट्र आए, तो यहाँ के काफी शहरों में ये नीरा का प्रावधान है। आप कहीं भी स्टॉल देखें तो मेरी तरह प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल लुफ्त लीजिएगा इस जूस का। ज़्यादा दाम भी नहीं है इसका, सिर्फ 10 रुपये पर ग्लास है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आप तक पहुँचाऊँ। मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।